जय जगन्नाथ। भुवन भाई कैसे, क्या हाल चाल? नमस्ते। व्हाट अ मैसिव मैच, ओ माय गॉड, व्हाट अ मैच यार, व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच, मजा आ गया देख के। वैसे मैं सोच रहा हूँ टाइटल थंबनेल ये आरसीबी वर्सेस ये डाल दूं क्या, टॉक्स करते हैं, वॉचिंग आ जाएगी क्या? मतलब ठीक है रे लक्ष्य भाई, बुरा तो मेरे को भी लगा है बहुत ज्यादा, बट ठीक है, समझ गया। आप मैच भी देखते हो? अरे भाई मैच ही तभी तो। अबे आईपीएल में क्या इतना इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है, कौन मेरा स्ट्रीम देखेगा? अब बताओ, चलो रुको रुको रुको, आ जाना, थोड़ा आरसीबी वर्सेस यही कर लेते हैं। मेरे को कोई, हेलो लक्ष्य, लक्ष्य संदीप, मेरे को कोई ऐसा थंबनेल फोटो भेज दो जो आरसीबी वर्सेस इस मैच का हो, मैं थंबनेल पे लगा दूं फटाफट जल्दी। संदीप एंड लक्ष्य दोनों में से जो भी भेज पाए व्हाट्सएप पे डीएम कर दो फटाफट, मैं टाइटल थंबनेल बदल देता हूँ और अपन चल जाते हैं ट्विटर पे और जाकर के मैच रिव्यू करते हैं, मीम रिव्यू करते हैं। जल्दी दे दे, हेलो हेलो, हाँ आरसीबी वर्सेस एसआरएच का जल्दी देना, मेरा कैमरा वापस लाऊं मैं, होल्ड ऑन, कैमरा नशे कर रखा है। एंड कोई चैलेंज वगैरह तो बताना भगवान भाई, बाकी मैं ट्विटर पे जाऊंगा, ट्विटर पे अपन यही चीज सर्च करेंगे, बाकी देखते हैं क्या सीन रहता है, जल्दी कर। संदीप डू इट फास्ट, चलो अरे ये जल्दी दे दे यार, आ गया, वेलकम वेलकम, मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ, एक्सप्लोर ट्रेंडिंग में जो चल रहा होगा वही डाल देंगे, तो ट्रेंडिंग ही नहीं चल रहा तो ये मैच का, लॉल एसआरएच वर्सेस एमआई है ना, मैंने तो मीम रिव्यू डाल दिया, अरे फिर मेरा चेहरा गायब हो गया क्या? मैं वो टाइटल थंबनेल बदल रहा था होल्ड ऑन, और ये थोड़ा सा घपला चल रहा है, वो मेरे फिक्स कर दूं, फिक्स हुआ। हाय भुवन भाई, अब बताओ भाई आरसीबी वैसे ये मैच देखा क्या? वैसे टाइटल थंबनेल तो चेंज कर दिया है मैंने, मीम्स मीम्स देखेंगे गाइस, मीम 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 देखेंगे। डेस्कटॉप पे चलता हूँ, वेयर इज माय डिस्प्ले कैप्चर, डन, ठीक है। अब होल्ड ऑन, लेट्स रिव्यू द मीम गाइस, क्या चल रहा है लेटेस्ट पे चलता है। ये क्या है, अंबानी टू हार्दिक पांड्या,
बाकी रुको और देखते ये क्या ही चल रहा है। टुडे मैच सिनेरियो यार हार्दिक पांड्या भाई, ठीक है भाई भाई आज का मैच तो भैया देखते ही बनता था यार, मजा आ गई वैसे तो। और क्या है देखे, हाँ जल्दी भेजते संदीप तेरे को वही तो बोल। अबे ये क्या बनाया भाई, छपरी को कैप्टन बनाओगे तो यही होगा। अरे भाई यार, भाई आपका फेवरेट एनिमे कौन सा? एनिमे इतना नहीं देखता मैं, कैसे हो पाजी? बढ़िया भाई बढ़िया हूँ मैं वैसे थोड़ा सा ज्यादा। ये क्या है, रोहित शर्मा एंटरिंग ए सारे ड्रेस। भाई 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 ये क्या चल रहा है यार भाई, ये दादा क्रेजी हो रहा है। रुको यार मेरा ये फिक्स कर दूं मैं कैम। अच्छा लॉब नहीं जाएगा भाई, ये क्या मीम्स है यार, रोहित शर्मा एंटरिंग एसआरए ड्रेसिंग रूम, ये देख लिया मैंने। अरे ट्रेविस भाई वो मुंबई है इंडिया भाई, ट्रेविस भाई ने बहुत धोया यार। मुंबई और हैदराबाद का 27/03/2024 का मैच छक्कों के लिए जाना जाएगा। 18 छक्के हैदराबाद ने लगाए, 20 छक्के मुंबई ने। ओ भाई साहब T20 में इतने छक्के किसी और ने मारे क्या? ये क्या है भाई, ये देख रहे हो, रोहित शर्मा 216, ईशान किशन 261, नमन दाहिर 214, तिलक वर्मा 188, टिम डेविड 200, हार्दिक पांड्या 120। ओ भाई ये कौन है गाइस, इसको पहचान पा रहे हो क्या? ये इन सब पांचों में ये कौन है, ये कोई तो देखो गन लेकर खड़ा है, ये इसको पहचान पाए? यू नो हु, ये कौन है गाइस, हुज दैट गाय? ये 120 के स्ट्राइक रेट वाला, ये कौन है 120 के स्ट्राइक रेट, सबके 200 पार, ये 120 वाला। अरे भाई अरे रे रे रे, एब्सोल्यूट सिनेमा सीआरएच वर्सेस एमआई, ये क्या है? वॉच अ मैच एम आई मिशन इम्पॉसिबल, पांड्या टैंग इट और एस देश वुड हैव डन द अपहोल्ड। अरे भाई ठीक है यार, नाना कड़ी ये कितना प्लस किया, अभी अटैक करूंगा, 2 अटैक करने बाकी है। भाई एल्विस भाई कहां से आ गए, अल्विश भाई अरे मेरे एक तो इतने सारे टैब खुले पड़े ना, मतलब क्या होता हूँ मैं, बहुत टैब्स खुले हुए। चलो वैसे टाइटल यही रहने देता हूँ मैं, ये थंबनेल चेंज करूंगा यार, ये अभी तो गलत ही लगा हुआ है थंबनेल। टाइटल में लिख लेते एक बार एसआरएच वर्सेस एमआई, बाकी ठीक है मीम देखते हैं थोड़ा। कितना प्लस किया रहना जी, आज अभी 2 अटैक करने बाकी है, करूंगा अभी अटैक्स। और अभी ग्लोबल वन कौन है, एजे नीचे आ गया, एजे के डिफेंस गए भाई। आई मेड इट जस्ट फॉर फन, देख लो अब्रार भाई, अभी तो नहीं देख पाऊंगा यार, आज बेस विजिटिंग स्ट्रीम नहीं है वैसे। ओके मीम्स भाई, मीम्स भाई ये वाला एक बार देखते हैं इसमें क्या है। ट्रेविड हेड व्हेनेवर द अपोजिशन प्लेयर इज इन ब्लू जर्सी, अरे भाई ट्रेविड हेड अच्छा खेला भाई आज। ये पता नहीं क्या है, मोम प्लीज इशू अ पीआईपी टू हार्दिक पांड्या।
भाई भाई मीन्स भाई विंडोज 11 नहीं विंडोज 10 है भाई। चलो काफी आज के लिए इतने मीम गेम में चलते हैं वापस, डिस्प्ले कैप्चर बंद करते हैं। चलो आज के दो टैक्स बचे हुए वो करने हैं। आर्मी ट्रेन है आज, ये देख लो आज मेरा 265 किया है मैंने सार्थक भाई, दो एक अटैक बचा हुआ है इस अकाउंट का ठीक है, और इधर से दो अटैक बचे हुए। छपरी यार सब छपरी बोल रहे हैं, आई मेड इट जस्ट फॉर फन, देख लो अपना, रुको अभी अटैक्स के बाद देख लूंगा, स्ट्रीम पे रहो भाई, जाके देखो इंडिया वर्सेस पाक मैच और उसका परफॉर्मेंस। चलो ये भी ठीक है, एंड प्रिंस आओ एक बार यहाँ पर। ओके लूट पड़ा हुआ है यहाँ, लैब बिजी है, ये भी बिजी है, सब बिजी है, बिजी बिजी है, ये तो यूज हो चुकी है ठीक है, एक दो डैक करने यहाँ से करते हैं ठीक है। ही इंटरेस्टिंग बेस, ये बेसिस बहुत खराब लगते हैं मुझे। 1 2 3 1 2 किंग, या डेक 3 तो नहीं होने वाला जहां तक मुझे लगता है। एक अच्छी चीज हुई है बस अटैक में, वो क्या ही बताऊं मैं। बाकी गाइस ये 3 होगा या नहीं होगा चैट में बता दो, बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बेस्ट ऑप्शन है ही जी। यहाँ क्वीन का एबिलिटी आ जाएगा, रॉयल चैंपियन तो गायब बोले एक बार। अरे अपोनेंट रॉयल चैंपियन गोज डाउन, जी जी अब चांसेस तो है 3 होने के पूरे, क्योंकि क्वीन जिंदा रह गया है ना, क्वीन रीजनरेट कर लेगा अपना एचपी यहाँ पे एबिलिटी यूज करके, डबल कैनन वगैरह तो तोड़ लेते हैं। चलो सेमी भैया को अपन ने 3 कर दिया, वैसे अपने पास काफी आर्चर वगैरह थी जिससे क्लियरिंग भी डिप्लॉय कर ली थी, ये तो 3 है डन। एम के शाही भाई नमस्ते, कैसे हैं आप, स्वागत है स्ट्रीम पे गाइज। वैसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वी जस्ट नीड लाइक $5-6 टू कम्प्लीट $100, एंड मैं आज और कल स्ट्रीम कर पाऊंगा, एंड 2-3 दिन में स्ट्रीम नहीं कर पाऊंगा। तो कोई भी सपोर्ट करना चाहे, मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहे, तो दैट्स द डे गाइज यू कैन सपोर्ट कर सकते हो। तभी तो मैं रात को भी स्ट्रीम कर रहा हूँ, भले 11:30 हो रही है बट मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, ये एक उसका ही वो है, करना पड़ेगा ऐसा करके। यहाँ एक रिक्वेस्ट कर दी मैंने, सीसी मिल जाएगा मुझे। वैसे वॉर स्टार्ट होने वाली है आफ्टर 10 मिनट। अरे डार्क लोड में 5 आर्चर नहीं आए, ये आर्चर मैंने कहीं तो कुक किए थे वैसे, मोंटी राणा में से दे देता हूँ अभी तो। राणा भाई 500 डन, थैंक्स फॉर सपोर्ट। अरे ऑलवेज ऑलवेज यार, तुमने करा है हमें इतना सपोर्ट, तुम कर रहे हो भाई हमें सपोर्ट, हम तो क्या ही करे है तुम्हें। बेस विजिट भाई रुको, थोड़ा लेजेंड हिट्स कर लूँ उसके बाद मैं 2-4 बेट बेसेस देख लूंगा, बट पहले मेरे को लेजेंड हिट्स करने दो। वैसे आज भी तो क्या ही फर्क पड़ा है भाई डिफेंस पे, डिफेंस तो भैया 210 माइनस खा चुका हूँ मैं।
एक लास्ट अटैक है करके देख लेते क्या होगा। बेस भी ये आया है। लक्ष्य थैंक यू फॉर 29 अप्रिशिएटेड डूड। फ्रीजिंग चालू है। अपोनेंट फ्रीजिंग कर रहे हैं। गाइस क्या लगता है ये 3 कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि टाउन हॉल पॉइजन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मॉय। लेट्स गो। वैसे लग तो रहा है 3 कर दूंगा मैं। एक एबिलिटी यूज कर लेते हैं, बूम 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 डन 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 बूम 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 डन 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 एंड होप दैट इट इज क्लच्ड सक्सेसफुली विदाउट अ प्रॉब्लम। इतना नर्फ करने के बाद भी ना ये ट्रूप अभी भी ओपी है गाइस। इसको इतना ही नर्फ कर लिया बट ये ट्रूप अभी भी रुकने का नाम ही नहीं लेता। ये बोलता है हम ओपी थे, हम ओपी रहेंगे, हम थ्री करते रहेंगे। ताली बजा दो। लक्ष्य ओपी लिख दो चैट में फटाफट। इतनी जल्दी सडनली सब्सक्राइबर कैसे बढ़ गए भाई? ये गिव अवे किया था मैंने बड़े चैनल के साथ मिलके, तो उस वजह से। हाय तुहिन भाई जी, कैसे हो? राणा जी के हाथ में आर्मी बहुत अच्छी कंट्रोल होती है। सार्थक भाई ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्यों आप सब कर रहे हो, आप सबके नहीं हो रहे क्या? थ्री मेरे तो हुए भाई, मेरे तो नॉर्मल डे गया है आफ्टर नर्फिंग भी। ये देख लो 305 मार दिया मैं। खैर मेरा स्ट्रीक टूट गया गाइस। अगर मैं बताऊं इस सीजन 3 दिन में 24 अटैक्स मिले, 24 अटैक्स में से मैंने 23 अटैक्स को 3 स्टार किया है। केवल ये एक्विलियंस, ये एक इकलौता ऐसा बंदा है जो डिफेंड कर रहा है इस पूरे सीजन, मतलब 3 दिन में ये अकेला बंदा है जिसका बेस डिफेंड किया, अदरवाइज मैंने सारे 3 किए, एक भी बेस नहीं छोड़ा। तो 305 मेरा आज का गया है हिट एंड अभी एक अटैक बचा हुआ है विथ PX। तो यहां से करते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अपडेट से। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो यार, आज TWOB का FW है, सेम भाई आए थे, सही है। चलो यहाँ पर क्रिश भाई ने हमारे को CC दे दिया, तो क्रिश भाई OP और हम चलकर एक आज का लास्ट अटैक जो लेजेंड में बचा हुआ है वो कर लेते हैं। कौन से चैनल से? MK भाई मेंबरशिप ज्वाइन कर लो इफ पॉसिबल, इफ नॉट इट्स ओके, बट इफ यस देन प्लीज डू इट नाउ। 1-2-1 क्वीन और यहां पर एक ये गाइस, ये अटैक 3 होगा क्या? व्हाट यू थिंक टेल मी इन द कमेंट बॉक्स एंड मेक श्योर टू हिट द लाइक सब्सक्राइब शेयर। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग देयर बट आई विल ट्राई माय बेस्ट शॉर्टली। लेट्स सी व्हाट इज जस्ट हैपनिंग। यहां एक हील स्पेल कर लेते हैं यूज एंड यहां थोड़ा नीचे वाली साइड से RC भी आएगा, यहां एक फ्रीज भी आएगा, एक स्केलेटन भी आएगा, वार्डन एबिलिटी भी आएगा एंड यहां पर वेलकरी इसका थोड़ा इश्यू हो गया है। मेरा आर्मी एक अलग साइड जा चुका है तो 2-3 दिक्कत तो है अटैक में श्योरली है, बट अब एक फ्रीज में यहां कर लेता हूं। किंग का एबिलिटी बचा हुआ है बट यहां एक रेज एंड किंग का एबिलिटी थोड़ा सा होल्ड करके रखना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज अगर किंग एबिलिटी होल्ड नहीं किया ना तो ये अटैक तो 3 फिर तो नहीं होगा। तो किंग एबिलिटी होल्ड रखते हैं, रॉयल चैंपियन का एबिलिटी यूज करते हैं
एंड फाइनली इट्स टाइम टू यूज अ किंग्स एबिलिटी एज वेल। किंग थोड़ा बाहर वाली साइड जा चुका है, इधर एक आर्चर, इधर एक मिनियन, कोर में ये एक चीज बची है, यहाँ एक आर्चर डाल लेते हैं। किंग बाहर वाली साइड जा चुका है, रॉयल चैंपियन इज फाइनली टेकिंग डाउन अ ईगल आर्टिलरी एंड होप दैट अटैक इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ थ्री स्टार, बट यहाँ पर थ्री तभी होगा, देखते टाइम भी है, क्लियरिंग ट्रुप भी मैं डिप्लॉय कर चुका हूँ, हर जगह स्प्रेड भी कर दिए गए हैं, इनफ टाइम भी है, आई थिंक ये थ्री हो चुका है, डन। यप, कौन सा चैनल, मिस्टर एपी गेमिंग नाम से था उनके साथ, उनके कम्युनिटी टैब में आप चेक कर सकते हो, वहां से गिव अवे किया था, उस वजह से थोड़े सब्सक्राइबर इंक्रीज हो गए थे, बाकी भाई डन है, आज का ये वाला अटैक भी यहाँ पर थ्री हो चुका है। जो टाइम है वो भी अपन ने अच्छे से मैनेज कर लिया, अलग अलग जगह आर्मी भी दो भागों में स्प्लिटेड है, सो होबो को थ्री कर दिया है। अरे आयुष भाई मेंबरशिप ज्वाइन कर लो यार, हेल्प हो जाएगा बड़ा। लक्ष्य भाई आर यू देयर ऑन स्ट्रीम, नहीं करूंगा, बर्गर पार्सल करो, नहीं करूंगा, ये भी ठीक है। लक्ष्य भाई का नाम डालना है टॉप डोनेटर में आज के, ऑलरेडी लिखा हुआ है भाई, या सुबह भी किए थे कि आपने 29 चैट में, जल्दी से बताना इफ यस, नहीं तो ये 29 एडिट ऑलरेडी कर रखा है। यहाँ आर्मी बना लेते हैं, बाकी यहां से भी 304 मारे, एक से 305, एक से 304, बाकी यहाँ एक 99 एक 98% अटैक गया, अदरवाइज इट्स अगेन अ गुड एंड ये ग्लोबल 6467 पे अकाउंट। मोंटी राना तो होप कहीं नहीं होगा, बट ये अकाउंट ग्लोबल रैंक पे है, यहाँ से रिक्वेस्ट भी करना है एंड घमंड लेवल इसीलिए लेट कर रहा, घमंड लेवल जितना हाईएस्ट आप ज्वाइन कर पाओ उतना ही अप्रिशिएटेड रहने वाला है। घमंड लेवल इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी सपोर्ट, थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा कम, ये डिपेंड करता है। एंड उसके लिए मेंबरशिप के लिए आपके लिए बहुत सारे पर्क मिलेंगे, स्पेशल बैज मिलेगा, यू कैन यूज स्पेशल इमोजीज एंड आपका बेस विजिट हर स्ट्रीम पे होगा, कोई आपके लिए वो नहीं रहेगा कि आपका बेस विजिट कभी बेस विजिटिंग स्ट्रीम हो नहीं हो, तो सब कुछ रहने वाला है, तो एज योर विश, बाकी मर्जी। मैं टाइटल चेंज कर दिया वापस से स्ट्रीम का, तो या हाय सैयद भाई कैसे है, क्या हाल चाल, या दोनों अकाउंट से 300 मार दिया, दो मिनट बाद यहाँ से अपना स्टार्ट भी हो जाएगा, एक मोंटी राना से अटैक करेंगे, ठीक है, एक बार रिक्वेस्ट कर लेता हूँ मैं, रुको एक बात, एक दिन बाद मेरा बिल्डर फ्री होगा तो वी कैन अपग्रेड अ वॉल, और इलिक्सर से तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो वी कैन अपग्रेड अ वॉल एंड दैट्स इट, यहाँ पर ऑलरेडी अपग्रेड पे चल रहा है, रुको लेवल 14 है ना, यहाँ पर से मैं ये ले सकता हूँ क्या, बुक ऑफ हीरो इधर तो नहीं है, इधर एक बुक ऑफ हीरो आएगी, मतलब एक लेवल में अप कर सकता हूँ, एक बुक ऑफ हीरो है मेरे पास एंड एक सीजी से मिलेगी, और सीजी से कब मिल रही है ये देखूँ जरा, 13 घंटे बाद, मतलब यही 6 दिन का टाइम, 6 दिन देखते भाई कितने दिन के लिए मैं कलेक्ट कर पाऊंगा सीसी। राना भाई टूर्नामेंट रजिस्टर किए, मैं नहीं खेल रहा अभी टूर्नामेंट कोई भी, तुहिन मैं किसी भी टीम से नहीं खेल रहा अभी तो भाई। आप क्लैश रॉयल खेले हो? हाँ शुरू शुरू में खेला था, बट इतना कुछ फॉलो नहीं किया मैंने, आज भी परफेक्ट वॉर ट्राई करेंगे, देखेंगे होगी तो, नर्फ के बाद कितना इफेक्ट पड़ता है वॉर में आपको पता चल जाएगा। बाकी मिसमैच हो रहा है हमारे साथ वॉर, वो तो एक अलग ही कहानी है मिसमैचिंग की, बट बाकी क्या कर सकते हैं, टोटल ओवरऑल मिसमैच है वॉर हमारा, हमारे लोअर टीएच के साथ तो सुपरसेल इतना नाइंसाफी करता है कि क्या बोले, ये देख रहे हो हमारे यहाँ देख रहे हो 12 है ना आखिरी में हमारे, देखो ये क्या करेंगे, 9 वाले दोनों प्लेयर कुछ नहीं कर सकते, ये क्या करेंगे 11 वाले दोनों प्लेयर कुछ नहीं कर सकते, नीचे 12 से शुरू हो रहा है, 3 ही 12 है और हमारे 4 तक तो 11 है, फिर 12 शुरू हो रहे हैं, इनके तो 14 आने लग जा रहे हैं, टोटल मिसमैच है भाई। भाई वैसे ये बेस विजिटिंग स्ट्रीम नहीं है, बेस विजिटिंग मेंबर्स ओनली, आप ज्वाइन कर लीजिए मेंबरशिप, आपका बेस विजिट कर दिया जाएगा भाई। अभी मेरे को वॉर अटैक पे जाना है, एक आर्मी ट्रेन हो रहा है एंड वी आर जस्ट डायरेक्टली गोइंग इनटू अ वॉर अटैक एंड यहाँ पर अभी काफी सही है, अभी हमारे क्लाइंट का एक्सपी भी बढ़ रहा है, होने वाला है, सही चल रहा है, तो हार जाओ, हार जाएंगे, ट्राई करके आ रहे, ऐसे तो घुटने नहीं टेके जा सकते भाई, जो पे अटैक कर रहा हूं मैं, बिना बेस देखे अटैक कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड बेस है बट
तेरा भाई ट्राई पूरा करेगा। रुको, किस जगह सिद्ध बैरक डाले? इधर क्वीन है ना, उधर वार्डन और आरसी है, तो इधर किंग आएगा क्वीन वाली तरफ, उधर आएगा सिद्ध बैरक। यहाँ एक याद आएगा स्केलेटन के साथ आर्मी डिप्लॉय। अभी के लिए अटैक इज गोइंग प्रिटी अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, कोई दिक्कत वाला अटैक नहीं है, ऐसा वाला जा रहा है। वार्डन एबिलिटी दे देते हैं, यहाँ से आर्मी को जिंदा रखवाना पड़ेगा एक स्केलेटन स्पेल के साथ। अब यहाँ से किंग जितना वैल्यू निकाल लेगा उतना तो बढ़िया है ही मेरे लिए। रेज एक ही है ना, यहाँ टीएच फ्रीज कर लेते हैं, यहाँ एक रेज डाल देता हूँ ऑन द टीएच साइड, एंड एक और बार से अपन टीएच को फ्रीज करेंगे यहाँ पर। एंड किंग ने बहुत ही बढ़िया अमेजिंग बोलूंगा वैल्यू ले लिया है, यहाँ से आर्चर वगैरह डिप्लॉय करना शुरू कर लेते हैं। आर्मी पूरा ही जिंदा बचा हुआ है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ एक फ्रीज कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा बारबेरियन किंग यहाँ से स्लो डाउन हो जाए और टाउनल का जो पॉइजन इफेक्ट है वो ज़्यादा काम ना करे मेरे ऊपर। बट क्वीन इज गोइंग अमेजिंग विदाउट अ सिंगल प्रॉब्लम। यहाँ एबिलिटी यूज करके क्वीन का भी एबिलिटी यूज कर देते हैं और ये तो अटैक हो चुका है 3 स्टार। हाइड्रा आर्मी के लिए पेट कॉम्बिनेशन प्लस हीरो एबिलिटी कॉम्बिनेशन बता दो, 2 दिन में भी पूछ रहा हूँ, मैंने कल ही बता दिया था आपको भाई। देखो पेट कॉम्बिनेशन यही रखो, किंग के ऊपर आपको रखना पड़ेगा आपका, किंग कहाँ गया मेरा, ये रहा, किंग के ऊपर आपको रखना है फिनिक्स, फिनिक्स के साथ ये 2 एबिलिटी यूज करनी है, ठीक है गोविंद भाई। क्वीन के ऊपर यही 2 एबिलिटीज यूज करना विथ यूनिकॉर्न। वार्डन के ऊपर डिगी, डिगी के साथ में आपको इटर्नल टॉम और हीलिंग टॉम यूज करना है। रॉयल चैंपियन के ऊपर में आप हेस्ट वाला भी यूज कर सकते हो, बट बाकी अगर वो अपग्रेडेड नहीं है तो आप ये वाला नॉर्मल वाला एबिलिटी विथ स्प्रिटी फॉक्स यूज कीजिएगा। पेट कॉम्बिनेशन सेम रहने वाला है, पेट कॉम्बिनेशन की दिक्कत नहीं है मेरे भाई। तो रिक्वेस्ट दोनों अकाउंट से हो चुकी है, बाकी अपन एक काम करते हैं, अभी डार्क लोड वाले आईडी से मैं 2 अटैक्स को परफॉर्म कर लेता हूं, ठीक है जी। जी होप यू एंजॉय द अटैक्स, एंड अगर अच्छे लग रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, एंड कोई भी छोटा भी सपोर्ट कर पाए ना भाई, दिल से बोल रहा हूँ, केवल $4-5 और करने अपन को $100 कंप्लीट करने के लिए। एंड भाई मैं कल परसों, मतलब कल शायद मैं स्ट्रीम करूंगा, परसों से मेरा पक्का नहीं है, 29 या 30 को मैं निकलने वाला हूँ जयपुर के लिए, तो मैं जयपुर जाऊंगा तो मैं 2-3 दिन स्ट्रीम नहीं कर पाऊंगा और $100 नहीं हो गए, मिस हो जाएगा, फिर बुरा लगेगा, 3 महीने से वैसे ही पेमेंट ही आई, तो सपोर्ट कर पाओ तो डू इट यार, बाकी आपकी मर्जी। बाकी यहाँ आर्मी ट्रेन है सक्सेसफुल्ली, यहाँ से अपन अटैक भी कर सकते हैं, बट यहाँ मेरे को क्या करना है, ब्लैक स्मिथ में एक तो फ्रोजन एरो का लेवल लो है यहाँ, और 600 ये चाहिए और 600 है नहीं भाई, 600 कहाँ से लाए, पेड़ पे तो उगते नहीं है भाई 600। और ये भी, ये ओके, हीलिंग टॉम 2 लेवल अपग्रेड हो गया, 14 हो चुका है, बढ़िया। यहाँ हीलिंग टॉम भी मैक्स नहीं है, इश्यू चल रहे हैं जिंदगी में, और बाकी ठीक है, 2 अपग्रेड करे अपन ने, धीरे धीरे मिल रही है अपन को चीजें। बाकी चलो अटैक करने चलते हैं, एक और वॉर अटैक नंबर 3 पे करते हैं, ठीक है। ब्रेव स्टार या बूम बीच खेले, ब्रेव स्टार खेले भाई, चलो अटैक करते हैं। ओके थैंक यू, पेट सेम यूज कर रहा हूँ बट एबिलिटीज में बीके में नहीं, बीके में भी यही यूज करो, ये वाले जो एबिलिटीज है ये काफी अच्छे है। देखो तो बेस डाउन हो चुका है, यहाँ पर मेरे को क्या करना है मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पर मेन दिक्कत है तो इसका जो वो पड़ा हुआ है ना, क्या कहते हैं यार, प्रॉब्लम है इस अटैक में, दोनों जगह है ना कॉर्नर काफी स्ट्रॉन्ग कर रखा है बेस का, बट करना तो पड़ेगा अटैक। मैं बताऊँ क्या करने की सोच रहा हूँ, यहाँ एक ये डालते, एक यहाँ डालते, एक यहाँ पर ये डाल लेते,
यहाँ मैं डालूंगा अपना बारबेरियन किंग, ये अंदर जाएगा एंड यहाँ से अपन डिप्लॉय कर लेंगे किंग। यहाँ पर दो ये, एक ये, एक ये सिडवेरेक। किंग को मेनली मेरे को अंदर की तरफ मूव करवाना है। इधर एक स्केलेटन अर्ली आ जाएगा विद हेड हंटर एंड किंग अपना अप साइड आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ से सारे वेल्थ एंड आर्मी आ जाएगा। किंग अभी भी जिंदा है, कोई दिक्कत नहीं, किंग का एबिलिटी यूज कर लेते हो उस जगह। यहाँ एक रेज कर लेंगे एंड डन। अभी पॉइजन आने दो, फिर हील स्पेल का यूज कर लेंगे। इधर एक फ्रीज और एक ये, इधर एक ऑब्वियसली जो यूज करना था वो तो करना ही पड़ेगा। एंड इधर एक स्केलेटन स्पेल वार्डन एबिलिटी के साथ, रेज डाउन देयर ऑन देयर एंड अपर साइड से अपना आरसी आ जाएगा। एक फ्रीज कर देंगे अपन टीएच कंपार्टमेंट एंड यहाँ से एक रेज कर लेंगे ताकि आर्मी यहाँ से निकल जाए, मेरी बच पाने में कामयाब हो जाए। एंड यहाँ पर थोड़ी क्लियरिंग ट्रूप्स एंड ऑल एंड ये दो एक्सबो बहुत ज़्यादा डैमेज दे रही है। वहाँ थोड़ा सा अपन कर लेते हैं फ्रीज, इस जगह डाल लेते हैं एक मिनियन एंड होप तुम्हारा भाई ये वाला अटैक भी कंफर्म 3 स्टार करने में कामयाब हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा एंड हो जाएगा भाई। स्टिल ब्रूट फाइटर इज अमेजिंग, यूज इट, यू विल रॉक द बेसिस गाइस, श्योरली यू गाइस विल रॉक द बेसिस विद दिस आर्मी। एंड यहाँ एबिलिटी यूज कर लेते, बूम बूम बूम, डन डन डन। सो ये वाला बेस भी यहाँ पर हो चुका है 3 स्टार डन। अबे क्या बच गया? अच्छा स्टोरेज, ओके। वार्डन और चैंपियन के लिए पांडा अटैक के बाद पढ़ना, ओके थैंक यू। बट एबिलिटीज में बारबेरियन किंग पे यूज कर रहा था इंस्टेंट ऑफ रेज वाइल, वार्डन की रेज जेम यूज कर रहा था इंस्टेंट ऑफ हीलिंग टोम एंड चैंपियन की रॉयल जेम प्लस हॉक कर रहा था। भाई देखो रेड जेम यूज मत करो वार्डन पे, क्योंकि वो वार्डन को इतना पावरफुल कर देता है कि ड्रैगन वगैरह हिट करे उससे पहले वार्डन ही बिल्डिंग तोड़ देते हैं, ड्रैगन दूसरी बिल्डिंग स्विच करते रहते हैं, तो ये स्विचिंग में ड्रैगन हिट कम ले पाता है और मर जाता है, तो रेड जेम यूज करने का नुकसान हो जाता है मेरे भाई। वन हेल्प, यस टी एन गेमर आस्क इफ आई कैन आई विल एंड लक्ष्य आर यू देयर और नॉट। तू ही मेंबर बनने वाले थे ना, कहाँ गए? और ओके बट रेज जेम है एंड हीलिंग टॉम लेवल 1 है, हीलिंग टॉम मैक्स करो भाई, इंपॉर्टेंट है। हीलिंग टॉम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। किसी दे देगा क्या कोई? क्रिश भाई आर यू देयर? जब वॉर स्ट्रिक ज्यादा हो जाता है तब मिसमैच हो जाता है, मिसमैच तो ही हमारा वॉर विन स्ट्रिक देखो 5 है एंड अभी और बढ़ाने की ट्राई करेंगे। बाकी अपर साइड में नंबर 1 थ्री स्टार हो चुका है, नंबर 3 थ्री स्टार हो चुका है। मैं अपर से नीचे आता जाऊंगा 3 करते 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 एंड अपोनेंट का जो भी वो है ना मनोबल तोड़ दूंगा। यहाँ आर्मी बना हुआ है क्या? चेक करके आता हूँ। यहाँ आर्मी तो ट्रेन है, सीसी दे सकता हूँ मैं, मेन तो सीसी का था, सीसी दे दिया मैंने एंड रूट राइडर बना लेते। रुको यहाँ पर पेट कॉम्बिनेशन क्या है एंड रुको मेरे को एक चीज कॉल करनी पड़ेगी, होल्ड ऑन। यहाँ एबिलिटीज देखने पड़ेंगे, रुको होल्ड ऑन गाइस, हिट द लाइक बटन, शेयर बटन एंड सब्सक्राइब।
चलो यहाँ पर क्या है, सब ठीक है, बट ये फ्रोजन एरो लूंगा मैं क्वीन पे, ठीक है, बाकी सब ठीक। आर्मी ट्रेंड, बस अपन को अटैक करने चलना है। डेथ फ्रीज बन रहा है, डन, अटैक करते हैं। अपोनेंट करने लग गया अटैक। अब रुको, मैं जाऊंगा नंबर 5 करने इस आईडी से, ठीक है, देखते क्या होता है। आज क्या मैच हुआ भाई साहब, क्रेजी क्रेजी शेड मैच था आज का। यहाँ तो किंग इस वाले बेस में तो आर्मी के साथ डालना ज्यादा अच्छा रहेगा। बट आर्मी के साथ तो डालूंगा नहीं मैं। आई डोंट नो अटैक में क्या हो रहा है, बट अब जो भी हो रहा है अपन को टेकल आउट करके आगे बढ़ना पड़ेगा, और बढ़ाना भी पड़ेगा। इधर एक फ्रीज करता हूँ मैं, सिंगल इन्फर्नो क्रेजी ब्रो। भाई ये अटैक मेरे को क्यों लग रहा है, 3 होते होते बच जाएगा भाई। यहाँ एक रेज एंड किंग अपना अलग जा रहा है, बढ़िया है, चलो नहीं हो जाएगा 3 जहाँ तक अब मुझे लग रहा है। अबे क्वीन को सिंगल ने टारगेट कर लिया था क्या भाई, ऐसा तो नहीं होता है ब्रो। चलो अपर साइड लोअर साइड हर जगह से अटैक अभी भी चालू है, दम है, बूम 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 है, एंड आई डोंट नो, क्लोज क्लोज। रॉयल चैंपियन को गायब होना पड़ेगा वरना तो नहीं होगा भैया, इतना गायब ही नहीं हो गए। क्लोज चला जाए अटैक फिर क्या ही मतलब। यहाँ एबिलिटी यूज करते 4 1 2 3 4 एंड 1 हिट, गायब हो जा, नाइस जॉब। चलो थोड़ा रह के 3 हुआ, बट तुम्हारे भाई ने ये अटैक को भी 3 स्टार करने में कामयाबी हासिल कर ली। अब चलो नंबर 4 3 स्टार करते हैं, ठीक है। नंबर 5 भी खत्म, यहाँ से भी रिक्वेस्ट पेंडिंग रहेगा। अब मेरे डार्क लोर्ड का आर्मी ट्रेन है, वहां से एक और अटैक करता हूँ। समवर टेल मी बेस विजिट क्यों कैंसिल करा, और हाँ, टेल मी हु इज राणा ब्रो। राणा मैं हूँ भाई, क्या हो गया टीएन गेमर। लास्ट वॉर एंड इन 227 डेज अगो इन क्लैन। ओ राना में है मेरे भाई। चलो यहाँ पर केवल सिज बेरेक नहीं है ना, सिज बेरेक में अपना यूज कर लेगा, आर्मी ट्रेन है ये भी, ठीक है। यहाँ नंबर 4 को 3 करना है, एक और 3 स्टार कर कर आते हैं। चलो अबे क्रेजी बेस आ गया भाई, ये बेस पे तो मेरे को है ना बहुत गुस्सा आती है भाई। यहाँ पर पता नहीं भाई अटैक में क्या होगा, ये एंटी रूट राइडर बेस तो है बट अब आगे पता नहीं क्या होने वाला है। मैं यहाँ अपर साइड से आरसी डालेगा, रेज एक टीएच पे डाल देता हूँ, एंड फ्रीज वगैरह बाकी तो है। आरसी गायब हो जा भाई प्लीज यार, कम ऑन यार। नहीं यार ये अटैक 3 नहीं होगा, बचेगा, ये बचेगा बचेगा बचेगा। हाँ ये एंटी वही है ना, क्वीन ने टीएच नहीं लिया, आर्मी टीएच पे चली गई, जाकर के मर गई।
यार ये बेस 3 करना हार्ड रहेगा भाई मेरे लिए। अरे अनंता गेमिंग कैसे हो, लीडर वाज इनएक्टिव यार। छेट यार ये बेस मेरे को बहुत खराब लगता है भाई, नंबर 4 वाला जो भी था ये एंटी रोड राइडर है। अब एक एलियन से एक और ट्राई कर लेते हैं, मैं सोच रहा हूँ, देखते क्या है। यहाँ पर सीसी भी नहीं है ना, रुको सीसी तो मैं बाय कर लेता हूँ, और 3 मिनट में अपन अगला अटैक कर पाएंगे। इसका थोड़ा प्लानिंग करते हैं, इस आर्मी से क्या कर सकता हूँ। लीडर वॉज इनएक्टिव भाई, मैं क्या बोलूँ बताओ। कोई ना, बड़े बड़े प्रो लोग छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। नहीं यार ये बेस एंटी है ना, क्योंकि एक तो ठीक है इसका बैक से अटैक करते हैं, बट बैक से अटैक करना हार्ड रहेगा, बट ट्राई तो करेंगे। चलो ये एक और बार मैं ट्राई करूंगा, बाकी अपोनेंट भी अच्छा अटैक कर रहे हैं। एक तो मिस मैच है ना, वो भी दिक्कत है। रुको, तुम कुक हो तो तुम जाओ ना, कुक हो हुआ क्या भाई, अटके पड़ो यहाँ, बस 1 मिनट हो जाए फिर देखते हैं। थैंक यू फॉर योर हार्ट टीएन। भाई आप कहना क्या चाहते हैं, थोड़ा खुल के बोलिए ना। एंड गाइज आई थिंक मैं कल शायद से, कंफर्म नहीं है, कल भी स्ट्रीम कर पाऊंगा क्या, बाकी फिर मैं 2-3 दिन स्ट्रीम नहीं कर पाऊंगा। टीएस साइड से करो, अभी किया नहीं हुआ टीएस साइड से, नहीं अब मैं बैक से जाऊंगा। तो बाकी आई थिंक आज अगर आप सपोर्ट करके $100 कंप्लीट करवा सकते हो तो करवा दो, $5 या $6 चाहिए टू कम्प्लीटिंग $100। इफ यू सपोर्ट इज रियली अप्रिशिएटेड, दैट्स दैट मेंबरशिप सुपर चैट जो भी कर पाओ कर सकते हो। बाकी चलो आर्मी रेडी होती है, अपन एक अटैक करते हैं एंड अटैक करते हैं एंड अटैक करते हैं। बेक से 1K भी चांसेस है, 1 तो भाई हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, 1 से 3 करना है वरना नहीं करना है, तो 1K हो तो 1 हो जाए, डजंट मैटर, इट्स डजंट मैच ब्रो। ब्रो सी माई चैट, आपका चैट शो नहीं हो रहा है टीएन गेमर, आपका बस हार्ट शो हुआ उसके बाद ये शो हुआ ब्रो, सी माई चैट, इसके अलावा आपके कोई भी चैट शो नहीं हुए मेरे भाई। ब्रो 1 dead clan हैव ओनली 3 प्लेयर, आई विल ज्वाइन, आई बिकम लीडर। इफ यू आर अ एल्डर और को लीडर इन दैट क्लैन देन यू हैव अ चांसेस, बट इफ यू आर अ मेंबर यू कांट बिकम अ लीडर। आगे से नहीं करूंगा मैं, आगे से मैंने अभी अभी फेल करा है, टीएच के आगे से ही फेल किया है मैंने, मैं एक अटैक पीछे से करूंगा, पता नहीं जो भी होगा देखा जाएगा। यहाँ पर अटैक का तो पता नहीं भाई क्या हो रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है मेरे तो, पर बाकी अब जो भी हो रहा है देखते हैं। इधर एक रेज एक फ्रीज, डन 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 डन। अरे आगे चले जाओ यार, किंग तो अलग ही लेवल पे मिस कर रहा है भाई।
मोनो आ गया तो ये हो जाएगा। हो गया भाई, डन कर दिया। हाँ फ्री क्लैन चाहिए। अरे टीएन भाई खुद का बना लो, और क्लैन ग्रो होना बहुत मुश्किल है आज की तारीख पे। चलो ये थोड़ा हार्ड बेस था, इसको भी तुम्हारे भाई ने क्लियर डाउन कर दिया, नेरो डाउन कर दिया, एंड बी गेटिंग अ थ्री स्टार डन। और अटैक करते अभी तो, होप अटैक्स अच्छे लगे। यहाँ आर्मी ट्रेन हो रही है, रुको यहाँ मैं कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, रुको 8 मिनट है यहाँ। और मिस्टर वाईटी पे कितना टाइम बचा है, 24 मिनट्स का टाइम है। यहाँ रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ से तो 24 मिनट लगेंगे मोंटी राना से। एक तो आर्मी ट्रेन हो रहे हैं हर अकाउंट में भाई, यहाँ 24 मिनट है, यहाँ 16 मिनट है, यहाँ भी रिक्वेस्ट करना बाकी है, कर लेते हैं। बाकी ये ग्लोबल रैंक पे आईडी 422 नॉइस। इंटरेस्टिंग। अब एक काम करते हैं स्विच, मेरे को क्या करना है क्या करना है। बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा आपको देख करके, मिल करके। मैं एक काम करता हूँ, अपने TH 14 के 2 अटैक करता हूँ। वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने का मन तो नहीं कर रहा। विच आईपैड डू यू आर यू यूजिंग? आई एम नॉट शेयरिंग माय अकाउंट डिटेल्स लाइक विच आई एम प्लेइंग डिवाइसेस, सो इट्स अ स्कैमिंग अलर्ट, तो मत करा करो आप लोग भी शेयर। रुको अभी कितने अटैक बचे हुए, 1 2 3 4 5, मेरे 5 अटैक है, 1 2 3 4 5, तो नंबर 10, रुको प्रिंस भी तो है, नंबर 10 11, तो मैं 12 पे जाऊंगा अटैक करना। आई एम गोइंग ऑन नंबर 12, देखते क्या होगा। डार्क फूल है, कुछ नहीं कर सकता, नथिंग आई कैन अपग्रेड, ऑलरेडी मैक्स है मेरा। तो ये भी 3 हो जाएगा, बाकी देखते हैं। होप यू एंजॉयिंग द ट्रैक्स, डन है 3। कौन सा अच्छा रहेगा मुझे खरीदना है भाई? जितना बजट हो उस हिसाब से आप बढ़ा लो, जितने पैसे हो ना उस हिसाब से, जो हाईएस्ट रेंज वाला आईपैड आप खरीद सकते हो खरीद लो, ये एक ही सजेशन है। सारे बढ़िया है, क्रेजी है। केवल बेसिक यूज है तो सबसे सस्ता वाला ले लो, हायर यूज है तो थोड़े महंगे वाले पे जा सकते हो भाई। एक अटैक हो गया, एक अटैक में और कर देता हूँ नंबर 13 पे। फास्टेस्ट है क्या, क्या फास्टेस्ट? रुको ये बेस थोड़ा हार्ड है, बट मैं भी तो बहुत हार्ड हूं ना, बेस हार्ड है तो हम भी हार्ड है भाई। वैल्यू नहीं ली ना मेरे सुपर आर्चर्स वगैरह ने किसी ने भी, बुरा लगा भाई, बुरा लगा भाई, बुरा लगा, बुरा लगा, बुरा लगा भाई। अब ये 3 मेरे को लग नहीं रहा है होगा करके, बट मैं तो अपना ट्राई दूंगा, पूरा दूंगा, जितना है मेरे पास उतना दूंगा। इधर एक फ्रीज करते हैं, यहाँ किंग का एबिलिटी
बैलून्स लोग पागल ही हो रखे हैं क्या भाई? एक और फ्रीज, इधर एक रेज, वार्डन एबिलिटी नहीं होगा यार ये 3, मैं मिस कर दिया अटैक। बुरा लगता है यार जब जब ऐसे अटैक्स मिस होते हैं ना। एक तो स्केलेटन आना ही बंद नहीं हो रहे। अपोनेंट क्वीन एबिलिटी डन 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 डन, सब ठीक है बट इशू है। अब देखना पॉइजन में जाएगी क्वीन। हाँ क्वीन लव पॉइजन, पॉइजन लव क्वीन, क्वीन लव पॉइजन, पॉइजन लव क्वीन। चलो जो भी खराब करना है अटैक में कर लो। नहीं क्या मतलब, ये अभी भी 3 है। ड्रैगन वगैरह जिंदा तो है, चलो बढ़िया है, ड्रैगन्स क्लियरिंग कर देंगे वैसे तो। मुझे लगा था आफ्टर द फेलिंग दैट एंड ये अटैक भी फेल हो जाएगा बट नहीं हुआ। वी आर गेनिंग अ 3 स्टार श्योर, बिकमिंग अ डन 3। चलो ठीक है बच गया। 17 सेकेंड में 3 स्टार दिया राना। अरे ठीक है, इट्स नॉर्मल, लोअर टीएच पे तो नॉर्मल है वो। लोअर डेट में तो माइट भी और जल्दी भी हो गए। अब प्रिंस पे चलते हैं, काम करते हैं। बाकी मैं आर्मी ट्रेन नहीं है ना, वरना कर चुका होता हूं मैं अटैक। हीरो पोशन पावर पोशन दोनों यूज करके 2 अटैक करूंगा मैं, ठीक है। अब कितने अपर के अटैक बचे हुए? 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। मैं 10 से करना है मेरे को, 10 और 11 3 करना है। ई स्पोर्ट खेलने का सोचा है क्या राना? मैंने खेलने की सोचा भी है, खेला भी है, सब किया है। ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने ई स्पोर्ट नहीं खेला, खेला है भाई, बट अब मूड नहीं होता ई स्पोर्ट्स खेलने का भाई। अच्छा टीम नहीं है, टीम हो तो खेल लूं। मैं तो गिरा हुआ बंदा बीच बलिए। अरे इसको 3 होने से कौन रोकेगा ताऊ? गरद कबूत वाला टूटी खिड़की मखड़ी का जाला। ये भी 3 है, डन। और ज्वाइन कर लो कोई भाई, बोलना आसान होता है, करवा दो, रेडी हूं मैं करने के लिए। मेरे पास सब्सक्राइबर काउंट भी है, ई स्पोर्ट एक्सपीरियंस भी है, करवा दो। जैप ला लो, मैं जैप से क्या क्या लेना है। आज वाला वीडियो देख लो, आज वाला वीडियो देख लो, आज वाले वीडियो में बताया हूं। आज एक और आर्मी पे जो वीडियोस बनाई है ग्लोबल वन वाली, वो वाली वॉच कर लो तो पता चल जाएगा क्या लेना चाहिए। पलम पेलम पाले डक तो वो तो करना ही है, वो तो करना ही है ना बाबू भैया, वो ना करेंगे तो कैसे काम चलेगा रे।
ਤਨੂ ਦੀ ਗਣ ਕੇ ਤਨੂ ਕੀ में चीज क्या रहता है उड़ाने में, उसमें पांच अटैक शेयर किए हैं, वो बंदा उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिफेंसेस लेता है, कभी स्पेल टावर मोनो, कभी मल्टी स्कैटर एटसेट्रा। देखो उसमें मेन चीज फोकस ये करनी होती है कि आपको एक तो आपको सुई हीरोज करना है, किंग एंड क्वीन डालना, ठीक है। तो आपको वो देखना है, जैसे एक स्कैटर शॉट मेरे किंग क्वीन सुई से ही ले लूंगा मैं, तो मेरे को वो स्कैटर शॉट चाहिए ही नहीं, वो स्पेल टावर चाहिए ही नहीं, जो मैं हीरो से ही ले लूंगा। मेरे को वो चाहिए जहां मेरे हीरो नहीं जा सकते, और वहां पर मेरे को स्पेल टावर अगर पॉइजन है तो वो चाहिए, क्योंकि पॉइजन स्पेल टावर लालो का दुश्मन है। बाकी रेज स्पेल टावर हो चलेगा, इनविजिबल हो चलेगा, अगर पॉइजन है तो उसको आपको लेना ही है। तो आपको ये डिसाइड करना होता है अटैक के अंदर में, कहां तक आप हीरो को सुई करा दोगे और जहां तक नहीं कराओगे वो वाली चीज आपको इससे लेनी है मेन अपने। तो वो डिपेंड करता है, बेस पे वेरी बाय वेरी करता है, वो आपको उस वक्त ही अटैक करोगे तभी समझ में आएगी कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो ये अभी से मैं कंफर्म नहीं बता सकता आपको। बाकी यहां आर्मी ट्रेन हो गया, रुको अटैक करना है। इधर मेरा लेवल क्या है, फ्रोजन एरो का कम है बट चलेगा, इसमें फ्रोजन एरो लो है बट जाइन गॉन्ट मैक्स है, और हेस्ट और ये है, इसमें हेस्ट के साथ में हॉग है ना, हॉग की जगह में ये क्या करता है, हीलिंग दे देता है ना ये, चलो हेस्ट और हॉग ही रखते हैं, होल्ड ऑन। मैं नंबर 6 पे करूंगा इस अकाउंट से अटैक, देखते क्या होता है। इजी किल भाई नमस्ते, कैसे हो? अच्छा एक बार लेजेंड अटैक वीडियो करो, जैप लालो का लाइव खुद से देखना है, देखते हैं। जैप लालो तो मैं अभी तो नहीं करने वाला यार, अभी जब तक मेरा ये आर्मी चल रहा है, मैं रैंक के लिए खेल रहा हूँ, तो अभी तो मैं जैप लालो लेजेंड में नहीं करूंगा। ये थोड़ा बेस अजीब है, यहाँ पर टीएस साइड से अटैक करना पड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है। 1-2-1-2, इधर एक ये डालता हूं मैं, एंड इधर एक ये, इधर क्वीन, यहाँ सिट बैरक, इधर एक पॉइजन आएगा, यहाँ एक फ्रीज, हेड एंटर वरना इतना मारेंगे किसी ने सोची ना होगी, यहाँ एक स्केलेटन स्पेल। ये मेरी क्वीन के लिए ही डेंजरस होता जा रहा है, एबिलिटी तो यूज कर लेते हैं, बट क्या ये टीएच लेने में कामयाब होगी? एक फ्रीज करते हैं टीएच पे, वरना तो टीएच नहीं आएगा, बट अगर चलो टीएच आ गया आधा काम हो गया, अब बाकी काम करते हैं यहाँ से, एंड यहाँ एक रेज आएगा, एक स्केलेटन ऑन द टीएच साइड, एंड आरसी साथ में जाएगा, इस बार आर्मी पूरी साथ में डिप्लॉय कर लेते हैं, एंड कोर में वार्डन एबिलिटी डन, सब जहर कर दोगे यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, एंड एक फ्रीज है वो भी यहाँ कोर के लिए ही रखा है मैंने, डन। इधर एक मिनियन, कुछ आर्चर, वी हैव लॉट्स ऑफ एबिलिटीज अलाइव, एंड श्योरली इट बिकम अ 3-star अटैक फ्रॉम माय साइड। दो में अभी भी मेरे आर्मी बन रहे, एक तो आर्मी बनने में जो टाइम लगता है ना वो बहुत ज्यादा है। कौन सा गेम है गाइस ये? अरे बढ़िया अटैक, अरे सही है यार, गुड नाइट, सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट ट्रैवल सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे, डन है। ये अटैक है रूट राइडर्स मैच पे, वीडियो भी बनाइए, काफी काफी कूल कूल टाइप का अटैक है ये वाला अगर करो तो, बाकी ये 3 वगैरह तो ईजी हो ही जाते हैं।
भुवन भाई क्लैश ऑफ क्लैन, अरे उनको बताए क्लैश ऑफ क्लैंस बाबू भैया। यहाँ एक अटैक और बचा है, 38 मिनट लगेंगे। रिक्वेस्ट किए, रुको मेरे को क्या करना है, मोंटी राणा में 16 मिनट थे ना, माइट भी वहां आर्मी ट्रेन हो गया होगा, देखते हैं। कैसे हुई थी किल, सब बढ़िया है? यहाँ 2 मिनट है, चलो बढ़िया, ये मैं बाय कर लेता हूँ, होल्ड ऑन। चलो एक और अटैक करते हैं, अब नंबर टू करने वाला हूँ मैं, तो 1 मिनट है तब तक मैं बेस देख लूँ एक बार कैसा है नंबर टू का। ये हार्डर बेसिस क्यों आ रहे है? एक दो सीट पे रेखा, ये वहीं से कर देंगे बेस, होप, देखते। नंबर टू करता हूँ मैं, बाकी ऊपर के 6 बेसिस 3 हो गए, नीचे के 4 ये 3 हो गए, नीचे के कुछ बचे हैं। ये तो, ये भी मुझे तो परफेक्ट ही लग रहा है। वॉर नंबर 2 इजी है, देखते भाई कितना इजी रहता है, ट्राई करेंगे। बाकी लाइक कर दो, एंड भुवन भाई कर पाओ $100 कंप्लीट करवा पाओ तो करवा दो यार, बाकी आपकी मर्जी। वैसे स्ट्रीम करते हुए 1 घंटा हो चुका है, इतने सब्सक्राइबर है उनसे भी बोलो, मैंने तो सबको ही बोला, लक्ष्य ने थोड़ा किया भी सुपर चैट वगैरह। बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है सर गेम, अब रेड्स करो, वॉर जीपी कंप्लीट करो, फिर सीजी आएगा वो करो, सीडब्ल्यूएल करो, इससे अच्छा मैं जीएफ बना लूं, बना लो तो गुड लक। बाकी वही सब नहीं करते ना भगवान भाई, वही इशू है, बाकी ठीक है। अपोनेंट भी लगा पड़ा है करने में, बट सारे 2 कर रहा है भाई, 2 से नहीं 3 से चलेगा अटैक। करते नंबर 2 ट्राई, नया ब्लॉग एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा यार, पर्सनली बताऊं तो ये पंगा है, वैसे टाइम नहीं मिल रहा। जो 1 2 3 4 इधर आएगा एक, ये इधर आएगा बी के, इधर आएगा एक और ये, यहाँ मेरे को थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, होल्डिंग 1 2 इधर आएगा स्केलेटन स्पेल, यहाँ से अपना पूरा आर्मी, एंड देन आफ्टर we will go through the base reach and add enter there। अभी के लिए सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, किंग का एबिलिटी यूज कर लेते हैं। इधर मैं एक हील स्पेल यूज करूंगा, टोर्नेडो भी आ गया, डन। एंड इस साइड से अपन यूज कर लेंगे अपना ये, इधर एक फ्रीज आ जाएगा ईगल आर्टिलरी पे, एंड एक स्केलेटन आएगा, रेज एक ही बचा हुआ है, इधर एक पॉइजन आएगा, एक और फ्रीज कर लूंगा, रेज 2 है, इधर एक रेज करेंगे, कोर से खाली चल रहा है अटैक, बढ़िया जा रहा है। आरसी हैव द एबिलिटी अलाइव, आई नीड टू यूज आरसी एबिलिटी, वार्डन एबिलिटी देयर। चलो कुछ तो करो, यहाँ एक रेज आएगा टीएच कंपार्टमेंट में, डन। आर्मी के साथ लोचा हो रखा है गाइस, लोचा 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 इन 2000 गाइस। बाकी क्वीन के पास एबिलिटी है अभी भी, एंड होप हो जाएगा ये अटैक 3। होप सो वी विल किल दैट बेस, थोड़ा सा बचा, हो गया खत्म। तोड़े खुद की ही, सही बात है, गोट तो जगन्नाथ जी है, जय जगन्नाथ। काफी अटैक्स किए, काफी 3 भी किए, आर्मी बना के रिक्वेस्ट करता हूँ,
अब मेरे किस किस अकाउंट के डाक बचे हुए? एक बचा है क्रिश का, दो बचे हैं मिस्टर वाईटी के। और मिस्टर वाईटी में आर्मी बनने में कितना टाइम है देखूं जरा, स्ट्रिक दिखाओ। 5 का है भाई, यहाँ पर मैं बाय कर लेता हूँ सीसी, 4 मिनट बाद आर्मी बन जाएगी। स्ट्रिक भाई 5 का है, एक ड्रॉ हुआ था, बाकी सारे परफेक्ट ही चल रहे अपने वॉर्स। एंड यहाँ 4 मिनट बाद आर्मी बनेगी, तो एक काम करते हैं अपन TH12 का एक अटैक कर लेते हैं राणा जी 2.0 से। ठीक है, यहाँ आर्मी ट्रेन है, यहाँ मैं नीचे के दो बेसिस क्लियर करूंगा इस अकाउंट से, नंबर 20 और 18। इसमें सिंगल है ना सारे, उस तरफ तो कोई दिक्कत है नहीं। मैं अटैक करूंगा यहाँ पर लून क्वीन हीलर एंड रेज एंड वॉल ब्रेकर, इधर एक ये, इधर दो ये आर्चर्स, इधर एक और वॉल ब्रेकर। क्वीन तेरे को अंदर जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा वरना। ठीक है चलो, अब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्वीन विल गो फॉरवर्ड, एक और वॉल ब्रेकर कर लेते हैं, क्वीन को जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो TH तक चली जाए तो मजे, बट सीसी लूर हो गया है। प्रॉब्लम ये है सीसी लूर हो गया है गाइस, अब वो डाउन नहीं होगा तो दिक्कत है, बाकी देखते हैं। इधर एक हील स्पेल आएगा, इधर मैं एक फ्रीज करके देखता हूँ इधर किंग का एबिलिटी। हाँ फ्रीज से अपना काम तो हो जाना चाहिए। क्वीन विल टेक केयर ऑफ द होल बेस, क्वीन विल टेक डाउन द टाउन हॉल, आई नीड टू डू इनविजिबल फॉर क्वीन एंड नीड अ वेट, हियर वी गो वन मोर इनविजिबिलिटी विद द वार्डन्स एबिलिटी, वन मिनियन क्वीन हैज द एबिलिटी अलाइव, या इट्स अ 3। सौरभ भाई कैसे हो, टूट गया क्या? टूट गया क्या ही, टूट गया क्या ही, टूट गया। चलो 3 होना मैटर करता था, वे डेड इट, ये वाला बेस तो 3 कर ही दिया है अपन ने। निसार को कॉल करके बोलता हूँ अटैक्स कर दे, मेरा अटैक बाकी है ना यार, फिर करता तो ठीक भी लगता। ये बाय करते हैं एंड एक और अटैक पर चलते हैं, नंबर 19 पे। कुबान भाई आपका टैग दो ना, ये तो भाई क्वीन गलत जा रही है वैसे मेरा श्योरली। अब क्वीन एक अलग ही दिशा में जाएगा अटैक करने, तो दिक्कत तो है बट अब ठीक है देखते हैं। यहां से अभी और आगे आएगा क्वीन, आ जाओ। अब तो मैं यहां से आर्मी डिप्लॉय कर लेता हूं अपना, कुछ बचे कुछ मर गए हॉग राइडर्स का, कुछ समझ नहीं आया मुझे। ये अटैक तो हार्ड हो गया भाई, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, क्या बहुत हार्ड नहीं होगा। 3 बच गया वैसे ये बेस, हम्म,
तो माइनस तो जिंदा है, क्वीन क्लियरिंग भी चालू तो है ही। माइनस कितना वो सिंगल लेते हैं? नहीं नहीं होगा, क्वीन पे एक्सबो लोगे दो दो, रुको देता हूँ। काफी क्लोज ही गया, नहीं होगा छोड़ो। हाँ मिसमैच तो है ही यार, 12 तो पर दो काल भैरव के अटैक है मेरे पास, काल भैरव से कहा ही करूंगा दो। बीच के तीन, एक दो तीन, तीन बचे हुए, तीनों कर दूंगा मैं। ठीक है भाई। वैसे रुको, मेरे को क्या करवाना है निसार से? निसार और लोडिंग, रुको 14 15 16 17 करवाना है, 14 15 16 17 बोलता हूँ उसको, कॉल उठाता है तो। एक काम करता हूँ, स्विच करता हूँ अकाउंट। एक अटैक मुझे काल भैरव से करना चाहिए लोअर क्लियर करने के लिए, करते हैं। महाराज लगते हो भाई, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। और बोलो, हेलो, वॉर अटैक कर दोगे? सुनो नंबर बता रहा हूँ, उन्हीं पे करना ठीक है, 14 15 16 17। तो 14 15 निसार से, 16 17 लोडिंग से। बाकी नीचे के दो मैं कर दूंगा, ऊपर के तीन मैं कर दूंगा, बाकी सारे हो चुके हैं। तो आपको करना है 14 से 17, 14 15 16 17। ठीक है गो। वो नीचे के बेसिस भी क्लियर हो जाएंगे। एंड यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा डोनेशन देना है, क्या दूँ? कुछ तो है ही नहीं देने लायक, बस ये एक, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच रेज फ्रीस, इतना था। क्लोन बन गया, एक ड्रैगन, कुछ ड्रैगन, दो ड्रैगन, एक बेबी ड्रैगन। ठीक है, ये नंबर 19 करता हूँ जाके मैं। आई प्राउड टू बी अ नूब बाय द वे। ए सागर दी बूटी लेती इंडिका चला, सागर दी बूटी लेती इंडिका चला, सागर दी बूटी लेती इंडिका चला। Of the Josh, hi, sir. ठीक है राणा जी, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? चार, पापा मम्मी भाई। डाना 3 स्टार, वो शुरू हो चुका है अटैक करना। गुड गोइंग ब्रदर। एक दो और पांच मेरे को ड्रैगन और चाहिए, एक मेरे को लावा चाहिए, तीन ड्रैगन राइडर चाहिए, एक हेडंटर चाहिए, चार आर्चर चाहिए, आर्चर बनी हुई है, 7 लून बने हुए हैं। सॉरी, एक अटैक और करना है अभी इससे। एक
ये एलिक्सर तो मैं क्या रिसर्च कर सकता हूँ क्या कुछ? ना, एलिक्सर से मैं डार्क स्पेल फैक्ट्री अपग्रेड पे लगा सकता हूँ। नहीं, वो तो हैमर से करूँगा मैं। अब मैं वॉल अपग्रेड करूँगा एलिक्सर से। हाँ, वॉल अपग्रेडिंग हो गई, यहाँ आर्मी बन रहा है, बनने देते। मिस्टर वाइटी पे आई थिंक आर्मी ट्रेन हो गया ना, यहाँ से करते हैं। कहाँ गया ये बंदा? बोस विपू पता नहीं कहाँ गया। यहाँ आर्मी ट्रेन है पूरी तरीके से, 100% आर्मी ट्रेन्ड है। चलो डैक करते हैं। इट्स टाइम टू क्लियर नंबर 7। सागर दी बूटी लेती इंडिका चला, सागर दी बूटी लेती इंडिका चला, ला 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 Hope that it is clutch easily, not an issue. यहाँ पर सब सही जा रहा है, कोई दिक्कत कहीं नहीं आ रही है। यहाँ एक फ्रीज कर लेते हैं, ये वाला आर्मी पूरा क्लियर कर ही देगा। ये क्वीन के पास एबिलिटी अभी भी है, क्वीन का एबिलिटी यूज कर लेते हैं। डन, इजी, नो इश्यू एट ऑल। यहाँ पर एबिलिटी बूम 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 बूम, डन 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 डन, सिंगल गोज डाउन एंड दैट अटैक इज 3 स्टार। राणा आप रील बहुत देखते हो लगता है, क्यों ऐसा क्यों लगता है? मेरे पास TH11 दो आईडी है, TH12, TH13, 16 के 4 आईडी आ रहे हैं। प्रो लोग गौरव भाई, रूट राइडर के बादशाह हो तो सी, ऐसा तो नहीं है। बाकी तो भाई ये वाला वॉर अगेन मेरे को लग रहा है कि हमने कर दिया है परफेक्ट। अपोनेंट को टाइम ही नहीं लेने देते हम कि वो थके, उससे पहले तो उसके सारे बेसे उड़ चुके होते हैं। ये एक अटैक में अब टाइम लगेगा आई थिंक, सो कल ही करना पड़ेगा वरना 48 मिनट। मेरे 2 अटैक्स 3 अटैक्स बचे हुए हैं, एक मिस्टर वाइटी, एक क्रेश और बाकी। ठीक है, यहाँ 48 मिनट है, रिक्वेस्ट सेंड किया है। अब एक बार क्रिश में चल के देखता हूँ क्या सीन चल रहा है। हाँ, रूट राइडर नव किया है, जी हाँ, नव के बाद भी हम 3 कर रहे हैं भाई। इन दो आईडियो पे सीसी चाहिए, मोंटी राणा से ले लेता हूँ। एक में 20 मिनट, एक में 48 मिनट, काफी टाइम चाहिए। यहाँ कौन सा आर्मी बन गया जो सीसी ले लेता हूँ बोल के ऐसा आया हूँ। 2 सिज मशीन ले लेता हूँ एंड रेज को रहना, दोनों रेज ले लेता हूँ। 2 फ्रीज कुक है ना, 2 फ्रीज ले लेता हूँ। ठीक है, अब आर्मी लेनी है तो 2 2 4 2 2 4 ये ले लेता हूँ। 4 कुक वापस से कर लेता हूँ। रूट राइडर, अब रूट राइडर 3 ही बने, एक और बनने देता हूँ, फिर 4 रूट राइडर ले लेगा। ठीक है, वॉर अटैक चल रहा है, वॉर अटैक दिखाता हूँ आपको। निसार भाई को जो बेसिस क्लियर करने बोले वो कर रहे हैं, अंडन है बाकी तो। डीके और बार करना पड़ेगा लगता है नर्सराना के लिए। और एक दो बार और करना पड़ेगा। अरे कुणाल भाई कितना नर्स करवाओगे यार, बुरा लगती है भाई नर्स देख के। यार आज सुपर चैट ही नहीं आया बिल्कुल। राणा जी के लिए सब ट्रुप नर्फ कर दो, फिर वो 3 करेंगे, इतने प्रो है। मैं लूबू यार,
मुझे नहीं आता खेलना भाई, तुम लोग अलग ही मुझे प्रो बनाते रहते हो, बट मैं नूब हूँ। ये तो लालो करता है, और वो टीएच लेने के बाद लालो स्टार्ट करने की सोच रहा है। मतलब क्या बचा है लालो के लिए, पार्ट छोड़ा गया है निशान ने, बेस में बचा क्या है जो लालो करेगा ये? वो देखो फिर भी बेशरम लालो कर रहा है। लाली ला लालो लाली लालो, बेस में कुछ छोड़ा छोड़ना होता है लालो के लिए भाई, छोड़ा तो है ना बेस में, फिर लालो चल रहा है भाई। करवा दिया रूट राइडर नर्फ, मिल गई दिल को तसल्ली। हेलपेंट मैंने फिर भी अच्छा मारा है आज, मेरे को फर्क नहीं पड़ा रूट राइडर नर्फ से भाई, कोई फर्क नहीं है। ये रूट राइडर नर्फ के बाद मारा है। और बोलो ये नर्फ हुआ है रूट राइडर, ये 300 बार नर्फ के बाद मारा है मैंने सारे हिट। कल तो 320 ही था, आज फिर भी एक अटैक मिस हुआ है बस, बाकी सारे 3। ये नर्फ हुआ है इसको, मैं अभी भी नहीं मानता रूट राइडर नर्फ है भाई, लेवल चल रहे रूट राइडर के। तो कार्ड डोनेट कर देता हूँ, तो एक और अटैक चल रहा है निसार का, देख लो रिप्ले दिखाओ एक, मैं अभी आया हूँ, मैंने ये सुबह किए थे, सुबह वाला स्ट्रीम देख लो यार। अभी मैं वॉर अटैक्स कर रहा हूँ, आप देख लो वॉर स्ट्रीम में सारे अटैक्स किए लाइव पे, देख लो ऊपर से 1 2 3 4 5 6 सारे बेस अभी लाइव पे उड़ाए। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना नेम से, कर लेना योर चॉइस। राणा जी अटैक मत करो वरना सुपर सेल कल सुबह तक नर्फ कर देगा, कर दो कर दो, नर्फ होना चाहिए। और सुपर आर्चर देख रहे हो बेस में क्या बचा है, ये लालो कर रहे हैं, सुपर आर्चर से बेस खत्म कर देते, फिर लालो के लिए छोड़ते क्या हो भाई? ऐसा करोगे तो सुपर से बुरा लगेगा भाई, ये कौन सी तरफ डाल ले भाई। बॉल ब्रेक कर दो, एक ही है बॉल ब्रेक कर दो, है ही नो ये सोच रहे हैं कि लालो घर लेकर के चले जाएंगे, बिना लालो करे अटैक को 3 करेंगे। हाँ ये बंदा लालो नहीं कर रहा है, लालो की जरूरत कहाँ है इस बेस में, क्या बचा क्या है बेस में ये बताओ। तीनों हीरो के एबिलिटी है, ये आउल अलग लेवल पे जाकर के मार रहा है ईगल को, बेस में बचे ये 4 डिफेंस, लालो क्यों ही करना है, घर लेकर जा भाई लालो। क्या चैट मिस लालो स्वैग। राणा जी 2-3 के लिए अचानक क्या प्लान आएगा, राणा जी 2-3 के लिए अचानक क्या प्लान आएगा, 2-3 के लिए मतलब समझा नहीं, वापस से समझाओ थोड़ा। अबे लालो कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई, वे आर्मी फेंक दी बंदे ने, ओ भाई आर्मी फेंका है, फेंक के मारी आर्मी। हो गए सारे, एक बचा ये अभी मैं कर दूंगा, ये 2 बचे ये दोनों भी मैं कर दूंगा, तीनों में आर्मी बन रही है, एक कृष में, एक मिस्टर वाइटी में, बाकी एक काल भैरव में, तीनों जगह आर्मी ही ट्रेन हो रही है। लो अटैक्स देख लो, हेलबेंट भैया आर यू देयर, देख लो अटैक्स। ए सागर दी बूटी लेती इंडिका चल्ला, ठीक है तो टाइम भी ज्यादा हो चुका है, 84 मिनट से आई एम स्ट्रीमिंग एंड लेट्स सी। कर दो ऑल अटैक्स, क्या ही अटैक्स कर रहे हैं ये, डन है परफेक्ट वॉर है हमारा वापस। सामने वाले सुबह उठेंगे तब ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, परफेक्ट हो गई वोर, तो वोर में कुछ ना बचा भाई, वोर तो भाई होली परफेक्ट।
दो तीन दिन कहाँ जा रहे हो जो स्ट्रीम नहीं करोगे बोल रहे हो, अचानक क्या प्लान आ गया, अचानक नहीं आया है। देखो एक चीज होती है फेक स्माइल, तो मैं फेक स्माइल लेके स्ट्रीम कर रहा था बिकॉज मेरे को जाना है जयपुर, मेरे को जयपुर जाना पड़ेगा 2-3 दिन, क्योंकि अब मैं बता देता हूँ मेरे नाना जी जो है उनका देहांत हो गया था 18 तारीख को, तो मेरी मम्मी इतने दिन से घर पे नहीं है, वो वहीं है, एंड उनका 12वां है 30 को, और 29 को भजन संध्या रखी गई है, 30 को 12वां है, 31 को भी कोई कार्यक्रम है भजन का, तो लगातार 3 दिन वहाँ कार्यक्रम रहने वाले हैं, एंड तो रहना है यार, नाना जी नहीं रहे तो यही है बस। तो बस राणा जी आपका चैनल जल्दी ग्रो हो जाए, 1 लाख कंप्लीट हो जाए, बस आपके मुंह में घी चक्कर भाई, कर रहे हैं मेहनत, इधर तो 40 मिनट लगेगा सब ट्रेन, बट 40 मिनट मांग रहा है ना, दिल ही तोड़ रहा है। एंड एक क्रिश अकाउंट में देखता हूँ कितना है। भाई अब जो लिखा है दुनिया में वो होता है भाई, तो उसका तो अपन कुछ कर भी नहीं सकते, तो ये है, इस कारण मुझे जाना पड़ेगा एंड मैं नहीं कर पाऊंगा स्ट्रीम, घर पे रहूंगा तब तो ना स्ट्रीम करूंगा। तो सॉरी, अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं, इट्स ओके भाई। आपका एज क्या है? ओम शांति, भगवान आत्मा को शांति दे भाई, काफी याद है यार, इमोशनल हो जाते हैं भाई, मैं मतलब इसी कारण मैं बताना नहीं चाहता स्ट्रीम पे, मतलब यार मैं नहीं चाहता यार कोई बंदा मेरी स्ट्रीम खोल रहे और वो ऐसी इमोशनल टाइप की चीजें देखे, वो एंटरटेनमेंट देने आया है, तो मैं इसीलिए नहीं बताता, बट ठीक है यार। फिर भी स्ट्रीम कर रहे हो, डेडिकेशन तो यार है भाई कृणाल, करनी पड़ती है यार, माइनस में चल रहा है वैसे ही रेवेन्यू ना करो तो इंटरनेट के तो पैसे गए, रिकवर भी करने और रिकवरी हो ही नहीं रही है भाई, लोन और चल रहा है, लोन को चुकाना है, मतलब बहुत प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है यार, लगेगा फिर इससे ही अटैक होगा सबसे पहले, अब थोड़ा सा और इंतजार कर लेता, नो वॉइस, मैं कुछ बोल नहीं रहा, तो वॉइस कहाँ से आएगी भाई, बोलूंगा तो आएगी ना, इसीलिए तो मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ भाई, ढाई ढाई 3-3 घंटे की स्ट्रीम कर रहा हूँ रात को भी, इतना लेट नाइट 1 बज रही है मैं स्ट्रीम मार रहा हूँ भाई, ये होप है भाई हो जाए $100 तो सुकून से जाएगा वहां, हो सकता है कल निकल जाए, क्योंकि परसों तो 30 तारीख के परसों तो 12वां है, तो ये भी ठीक है, अब आज 28 तारीख हो गई है भाई। ओपी हाई पर आप अपना वॉइस ऑन कीजिए, बाकी ठीक है। तो ये सीन है भुवान भाई, और सुनाओ। अरे कोई ना कुणाल भाई, कोई ना कोई ना कोई ना, आप स्ट्रीम पे हो, आप वॉच कर रहे हो, आप सपोर्ट कर रहे हो, उतना भी बहुत काफी है, हाँ जो फाइनेंशियली हेल्प कर सकते वो करते भी है, एंड आप नहीं कर सकते कोई ना, वॉच कीजिए, वीडियोस पे कमेंट कीजिए, वो भी एक सपोर्ट ही है मेरे भाई, थैंक यू फॉर थिंकिंग अबाउट मी एंड अप्रिशिएट इट, एंड कॉन्टेंट हम बनाते रहेंगे डेली बेसिस पे, कई दिक्कत नहीं आ रही है,
भुवन भाई गए आई थिंक, मैं भी आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट। हाँ नारुतो इट्स ओके। तो स्टूडेंट्स तो ठीक है, स्टूडेंट्स नहीं दे सकते, कुछ कुछ होते हैं भुवन भाई जैसे जो स्टूडेंट नहीं अब जॉब कर रहे अच्छा खासा, तो वो सपोर्ट कर ही सकते हैं। बाकी कोई ना, बाद में करना जब आप लग जाओ एक अच्छे जॉब वगैरह पे। राना जी रुकना, थोड़ा रुका तो अभी एक अटैक तो करके जाऊंगा, ये 7 मिनट वाला इतना तो रुका पाऊं। नारुतो भाई क्या हो गया? हैप्पी रहो, डोंट बी सैड, जस्ट बी हैप्पी। अब तो पार्टी होगा, भुवान भाई बोले हैं मैं आया 2 मिनट में, ठीक है अब तो पार्टी होगा, भुवान भाई बोले। अब कैसा पार्टी भाई, बीजीएमआई भी खेला करो, खेलते थे वैसे। हाँ मन नहीं करता बीजीएमआई में, कोई दोस्त भी नहीं बचे तो इस वजह से मैं नहीं खेलता। ए सागर दी बूटी लेती इंडिका चला। मेरी जॉब तो लग गई है 50K की, और जुलाई से शुरू होगी, तब दे देंगे सुपर चैट। अरे कुणाल भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम हैप्पी फॉर यू। यही ना बात, अभी तो आगे 50,000 क्या 1 लाख तक जाओगे आप, और ग्रो करते जाओगे, यही भगवान से दुआ है। थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आई डोंट हैव वर्ड, थैंक यू फॉर थिंकिंग। चलो ये एक अटैक करना है मुझे, मैं इंतजार कर रही हूँ। वैसे अपोनेंट थोड़ा धक्का बक्का लग गया होगा, अपोनेंट को सोच रहा होगा कहाँ चल रही है। अपोनेंट का वॉर मिनिस्ट्रिक तो वैसे 0 है, अपोनेंट से ना होते 60 स्टार हमने कर दिए, 3 अटैक बचे हुए, तीनों करते हैं भाई। क्रिश, मिस्टर वाइटी एंड काल भैरव, आर्मी बन जाए, एक अटैक करता हूं मैं फिर, ठीक है। हे सागर दी बूटी लेती इंडिका चलना, ये गाना काफी वायरल हो गया भाई।
तो भाई क्या चल रहा है? बीजीएमआई देखते हो या देखते भी नहीं? देखता भी नहीं, बिल्कुल ना के बराबर ही चल रहा है भाई। 2 मिनट में अटैक करते हैं, अभी उन्होंने बोला रुकना करके, और वो अभी भगवान भाई 2 मिनट के अभी तक ही नहीं आए। अच्छा आ गए का, ये भी ठीक है। हम तो इंतजार कर रहे थे आपका डायरेक्ट दिखाएगा एक और। चलो अब कर लेते हैं, 40 सेकंड्स लेफ्ट है। इतना रुकने का कुछ तो फायदा मिले ना मेरे भाई। वैसे 1 बज गई है, जाके खाना खा के सोना भी है भाई। वैसे बस अब स्ट्रीम बंद ही कर रहा हूं मैं, आई डोंट नो यार। रुको 1 मिनट। हाँ हाँ मैं रुका हुआ है, अटैक करूंगा मैं। ओपी कमेंट ठीक है भाई। नारुतो कैसा है? चलो अटैक करते फटाफट। बन जा भाई, बन जा बन जा बन जा बन जा। इंतजार करते करते थक गए। बन जा तू मेरी इश्के दी चाशनी। ओए वॉर भाई, अपोनेंट हार मान भाई। टच इशू क्यों चल रहा है? अपोनेंट हार मान जा, दे मैं अटैक पे अटैक कर रहा है, तो हार मान ले, भला ये उसमें ही तेरी। तू बन जा तू मेरी इश्क दी चाशनी। गाइस व्हाट डू यू थिंक दैट अटैक इज गोइंग टू बी अ 3 और नॉट? अगेन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। मेक श्योर टू हिट द लाइक सब्सक्राइब शेयर। वी नीड टू डू अ फ्रीज। रेज इट डाउन देयर। बूम 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 डन डन डन। ये भी 3 है। चलो चलो चलो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। वी आर गेटिंग डाउन ऑल द बेसिस। किंग आरसी एबिलिटी टैग गोइंग टू बी अ 3 स्टार। डन 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 डन। सुपर चैट काम नहीं कर रहा क्या? सुपर चैट काम तो करता है, अभी तो कुछ भी नहीं आया भाई। चलो डन। एक और बेस को निश्चिनाभूत करते हुए हम इसी के साथ 54 हो गया है। 2 बार किया, 2 बार रिफंड आ गया। वैसे तो काम करेगा, देखो ट्राई सुपर स्टिकर भेज सकते हो। ऐसा तो होना तो नहीं चाहिए, ऐसा हो रहा है, किस्मत ना खराब है। बाकी यूपीआई कर देना अगर नहीं काम करे सुपर चैट तो। यूपीआई आईडी ऑन हैट। चलो चले अभी यहां पर 19 डेम देने की सिचुएशन तो है मेरी, दे भी सकता हूँ। पर थोड़ा रुकते, थोड़ा और जेम कम हो जाएगा फिर दे देंगे जेम। अगर सुपर चैट आई तो, मतलब सुपर चैट यूपीआई आया तो जेम दे देगा, ब्रेक और अटैक कर देगा 3। यूपीआई से नहीं होगा $100 पता है, बट ठीक है अगर वो काम ना करे तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बाकी यही सीन है, बाकी करो ट्राई कर लो सुपर चैट, अगर ना होती तो फिर यूपीआई मार देना।
बाकी चलो मैं थोड़ा सा इंतजार करके एक और अटैक करने की तरफ चलते, बन जाए फिर देखते। सुपर चैट वैसे हो तो जानी चाहिए, ऐसा तो कोई दिक्कत आता नहीं है कभी। एक बार रिफ्रेश कर लो अपना एप्लीकेशन, नहीं तो विंडोज वाले उससे कर सकते हो, पीसी से गूगल क्रोम से डायरेक्टली। बट यूपीआई इज बेटर, 30% नहीं लेता कुणाल सुपर चैट, 45% लेता है, 30% वाला मिथ है भाई। हाय भाटिया सर कैसे हो, अभी तक लाइव मेरी तरह दो दो बजे तक आ रहे रे। बस भाटिया सर आप ही से सीख रहे लाइव करना, चलो गुड नाइट मैं सोने जा रहा, बाय बाय। बस भाटिया सर आप ही के शरण में है, आप ही से सीख रहे। और बताओ बस, लेजेंड रेट कर रहा हूँ, बूस्ट मारा हूँ अभी। अच्छा इतना लेट बूस्ट मारा है, वाय सो लेट। देयर इज अ प्रॉब्लम वाइल परचेसिंग आइटम आ रहा है, तो आप यूपीआई ही कर सकते हो, फिर और क्या ही ऑप्शन है। यूपीआई वाला होगा ना तो मैं अपने अकाउंट में से, अगर वो जो जितने डॉलर कंप्लीट करने हो गए ना, खुद के अकाउंट से मेंबरशिप वगैरह ज्वाइन करके छोड़ दूंगा, वो तो मैं कभी भी ऑफ स्ट्रीम भी कर सकता है, तो हो जाएगा फिर। तो यू कैन यूज यूपीआई इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर नाउ। चलो एक अटैक करना है ना, कर लेते हैं। नंबर 18 को 3 करना था। CWL टीम ढूंढ रहा हूँ। टीम ढूंढ रहे हो, टीम में क्या चाहिए आपको? हाँ बस वैल्यू ले लो भाई, जिंदगी में और चाहिए क्या वैल्यू के अलावा। तो वैसे भी अब मैं स्क्रीन बंद ही करने वाला हूँ भाई, तो डू इट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, रेज एंड इनकैबिलिटी बचा हुआ है, प्लीज बचा हुआ है एबिलिटी। चलो इसी के साथ एक अटैक और तुम्हारे भाई ने 3 कर दिया, अपोनेंट को तो छोड़ना बख्शना ही नहीं होता है।
अपोनेंट सोच रहा होगा भैया ये इतना जल्दी जल्दी क्या क्या हो जाता है, भैया हाथ लेने तक का ही टाइम नहीं देते, इतने थ्री करते कि किसी ने सोच ही ना हो इतने थ्री कर देते हैं, और अपोनेंट सदमे में चला जाता है कि अब कैसे ही कम्पीट करे जब अपोनेंट परफेक्ट मोर मार दिए, भैया अब तो कम्पीट नहीं ना हो सकता, केवल एक बेस बचा हुआ है, बाकी सारे के सारे बेसिस को थ्री स्टार कर दिया गया है, वो भी इजी पीजी डन 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 चक भाई फ्री हो गया एक और। थ्री 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 लेट्स गो लेट्स गो। दो चाहिए ये, एक चाहिए रेड, एक चाहिए फ्रीज, तीन चाहिए ये, तीन चाहिए ये, ड्रैगन कितने, चार पांच छह सात, तीन दो पांच, तो चार सात, ड्रैगन प्लीज चेक आउट माय बेस, बेस विजिटिंग मेंबर्स ओनली है ब्रदर, यू नीड टू जॉइन आवर मेंबरशिप, दैट्स इट, दैट्स ऑल व्हाट यू नीड टू डू। क्या कम रह गया है, चार पांच छह सात ये हो गया, बेबी ले लिया क्या, बेबी 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 डन सब ले लिया, एक ये बनाना है, एक दो तीन चार, एक और बना लेते हैं, बाकी सारे लूम, ओके सो जाओ, मतलब यूपीआई नहीं कर रहे या कर दी, पशमा का नहीं कुछ नहीं आया, थर्ड लाइफ भगवान बहुत बुरा लगा इस बार तो सुबह से भी ज्यादा। ठीक है यार अब योर चॉइस, एक अटैक बचा हुआ है वो भी मिस्टर वाइटी अकाउंट का भाई, बाकी सारे हो गए भाई, कितनी देर स्ट्रीम करेगा भाई, क्या करे कर रहे है तो 18 मिनट, अरे दे दे एक नंबर फोन है, महंगा भी है कॉस्टली भी है, अरे भाई एक बेस बचा हुआ है, परफेक्ट हो गई ये वॉर भी खत्म, टाटा गया गुड बाय, केवल एक नंबर नो बचा हुआ है, वो भी आर्मी ट्रेन हो रही है, हो जाती तो कर देते, 12 आर भी बढ़िया है, जो लो सब बढ़िया, हम दुखी थे लेकिन हमसे ज्यादा दुखी दो और लोग थे, जय श्री राम। भगवान गए क्या, ठीक है यार क्या कर सकते क्या बोल सकते हैं, चलो जा रहा हूं मैं गाइस, बाय।